के लिए सर सारी। हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन फ्रॉम काजा। देखिए ऐसा है कि अब लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9, नहीं 9:30 भी नहीं बज रहे, कितना टाइम बज रहे हैं, ज़्यादा हो रहे होंगे, 9:58 हो रहे हैं। और इस वक्त काजा में बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, टेम्परेचर लगभग -17-18 डिग्री है। 10 बजे मतलब 10 बज रहे हैं, लेकिन -18 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। अभी हम इस वक्त इस बुखारी वाले रूम में हैं, तो हमें इतना ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा है। ये वाला कैप हमने पहना हुआ है और ये देखिए जैकेट भी ऐसे ही खुला हुआ है, लेकिन अगर बाहर में अगर होते हैं तो शायद ये चीज़ हम नहीं कर पाते। फ़िलहाल देखिए यहाँ पर हमारा नाश्ता आ गया है, आलू का पराठा, और भैया वहाँ पर सुशील भाई जो हैं किचन में बना रहे हैं आलू पराठा, हमें खिला रहे हैं। और बाहर का थोड़ा सा नज़ारा आपको दिखाते हैं, ये देखिए क्या ज़बरदस्त नज़ारा है। पूरा जो स्पीति है ना, पूरा वाइट हो चुका है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे स्नो ना पड़ी हो। तो नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करते हुए आपको बताते हैं कि आज का जो सीन है, आज मैंने सोचा है कि यहाँ पे एक थोड़ी दूर पे यहाँ पे एक ग्राउंड है जिसे आइस स्केटिंग ग्राउंड कहते हैं। वहाँ पे मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है, और जो आइस है वो एकदम एक लेवल में है, और वहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं आइस स्केटिंग की। तो वो हमें बड़ा मतलब सामने से ना देखने का मतलब शौक़ था कि वो चीज़ देखेंगे। तो मौका ऐसा है कि हम यहाँ पे काजा में हैं इस टाइम ठंड में, और ऐसा माहौल भी है, इससे बेहतर टाइम नहीं होगा हमें एक्सप्लोर करने का। तो इसलिए नाश्ता करते हैं, और आज हम आइस स्केटिंग ग्राउंड पे आज विज़िट करेंगे और दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे। तो चलिए नाश्ता करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। क्या है सुशील भाई? हाँ जी, ये देखिए ये हमारे सुशील भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हमारे ये गरम गरम पराठा ये बना रहे हैं। ये लो, थैंक यू सो मच। गरम गरम खाओ। थैंक यू। चाय बनाऊं एक जगह? नहीं चाय नहीं, चाय नहीं, सॉस भी है। अचार दे दो हमें। अचार ये सामने। हाँ ये है। हाँ अच्छा, सॉस भी है? नहीं, अचार से काम चल जाएगा। अच्छा आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना गंदा इंसान है ये सेफ। पूरा रख लो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, सही बात। ये देखिए अब यहाँ पे ये लग गया, कम ऑन यार, मतलब हाथ भी काम नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा ठंड है। हाँ जी चलिए, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप हमें मेरे कपड़ों को लेकर जज मत कीजिएगा, कपड़ा गंदा है मानते हैं, लेकिन सिचुएशन समझिए थोड़ा। अगर ब्लैक जैकेट लेता ना तो मतलब पच जाता है ब्लैक में, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब भी आप हमेशा ब्लैक ही पहनते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो वाइट ले लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। लेकिन यार वाइट लेके गलती कर दी हमने। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे मैंने कहा कि बाहर में -17-18 डिग्री टेम्परेचर है, मैं गलत था, बाहर में -26 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त, मतलब 10 बज चुका है। और ये देखिए आज है तारीख, कितना तारीख आज बताते हैं आपको, 6 फरवरी है, और -26 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त बाहर में। और आज रात का जो टेम्परेचर मतलब जाएगा नीचे, वो लगभग -30 डिग्री तक जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे -30 डिग्री तक, यहाँ पे दिखाते हैं ऐसे, ये देखिए -30 डिग्री। और पता है आज मेरा इरादा है कि यहाँ पे हम कैंपिंग करेंगे -30 डिग्री में, कितना हद तक ये सफल होगा वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो कैंपिंग की वीडियोज में पता चल जाएगा, लेकिन आज हमें फड्डा लेना है कि -30 डिग्री में कैंपिंग करनी है आज किसी भी हाल में। ये हमारा होम स्टे का कमरा जहाँ पे हम यहाँ पे रुके हुए हैं, और यहाँ पे देखिए एक बेड है, और जब अब यहाँ से बाहर का नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही शानदार नज़ारा है। भैया ने एक हीटर दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि हीटर के बिना यहाँ पे काम
चलेगा नहीं, हालांकि उस रूम में बुखारी, इस रूम में बुखारी है नहीं। दिन के लगभग 12 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया हमें क्योंकि वीडियो एडिट करनी थी। और ये देखिए, इंसान का नामो निशान नहीं है अभी, मतलब इतनी ज़्यादा बाहर में ठंड है कि अभी जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अपने घर में कैद हैं। झूले, ये आइस स्केटिंग ग्राउंड किधर है? अच्छा, तो पार है, हैं? यहाँ से जाओ पार है, यहाँ से सीधा पार जाना, पार आप मार्केट होते हुए निकलना पार। आपका बैग लगाओ, ये बैग, बैग, बैग खुला है? अच्छा अच्छा, बैग पूरा खोल के, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ठीक, बैग पूरा बंद करके, थैंक यू सो मच, आप पीछे टका दो, याद ही भूल गया मैं, कहीं ऐसा ना कुछ जाए। काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, है ना? आप ऐसा निकलना, हाँ जी हाँ, यहाँ से मार्केट निकल जाना, ठीक है, यहाँ से सीधा, सुनो हाँ, गाड़ी है ना वहाँ से परे को चले जाए, यहाँ से ऐसा करके पार निकल जाओ, पुल है परे, ठीक ठीक, पुल है, पुल से नीचे कुछ जाना है आपने, है ना? ओके ओके, पुलिस लाइन कहाँ है बोलना बस? हाँ, वो बड़ा ग्राउंड है ना? हाँ, बड़ा ग्राउंड है, पुलिस लाइन के साथ ही। ओके ओके, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम। तो ये है काजा का मार्केट एरिया, हालांकि समर के टाइम में ये सारी दुकानें खुली होती है, लेकिन अभी विंटर्स में ना कुछ कुछ दुकानें खुली हैं और काफ़ी ज़्यादा रश होता है समर में। जब आप काजा में आएंगे तो यहाँ से आप मार्केटिंग कर सकते हैं गर्म कपड़े का, ये मार्केट काफ़ी अच्छा है। भैया ग्लव्स कैसे? कौन सा वाला सर? ये वाला, ये वाला 250 का। 250? हाँ जी। कुछ कम करेंगे? तो अच्छा 200 कर दो, चलो 200 कर दो। हाँ, 200 दे रहे हैं। हाँ जी हाँ, आपको 220 कर दीजिए ना। अच्छा चलिए ठीक है दीजिए, क्योंकि ग्लव्स लेना बहुत ज़रूरी है, अभी जैसे मैं बाहर निकला मेरा हाथ तो जमना शुरू हो गया। कोई ना, कल परसों आप मेरे को मिले थे। अच्छा, आप ही ने दिलाया था ना हमें? अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी शॉप है? मैं आपकी। असल में जिस दिन पाजी ने हमें छोड़ा था, पता नहीं नाक से पानी क्यों आता है इतनी ठंड में, पाजी ने जब छोड़ा था तो ये हमें होस्ट होम स्टे मिल नहीं रहा था, सब तो सेम ही लग रहा है। तो क्या सेम है? हाँ, तो दे दीजिए कोई भी। हाँ, हमें होम स्टे नहीं मिल रहा था, दीदी ने हमें हेल्प किया होम स्टे दिलाने में, बहुत शुक्रिया। ये आपका शॉप है? हाँ जी, ये मेरा शॉप। अच्छा चलिए, बढ़िया है। और पैर का भी मोजा है क्या गरम? हाँ जी जी, ये वाला ऐसा चलेगा? ये कितने का है? ये 250 का है, मतलब सब ये वाला है। 200 का है ना? ये नीटिंग वाला है, ये वाला फिर अंदर फर है ना? अच्छा अच्छा जी, वो थोड़ा कम कीजिए ना। कौन सा? ये 250 वाला? सच में नहीं भैया, नहीं होगा, आप देखो ना इसका छोटा वाला ही देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, पहले अभी ग्लव्स ले लेते हैं, पहले मैं फिर हाँ सॉक्स देखेंगे। तो हमने ये ग्लव्स ले लिया है जो कि अब हमारे बड़े काम आएगा। इस ग्लव्स की खासियत बताते हैं कि इसके ऊपर ये सर है, अगर मैं चाहूँ तो इसे, मतलब जैसे अभी ये खाली है तो इससे हम कुछ काम भी कर सकते हैं, अगर हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो। ये देखिए, ये पूरे तरीक़े से मेरा हाथ ना ढक गया, हालांकि ऐसा मेरे पास ग्लव्स था, मैंने सरचू से लिया था ये ग्लव्स, लेकिन मैंने किसी को दे दिया वो ग्लव्स, इसलिए हमारे पास ग्लव्स बचा नहीं, इसलिए हमें ये ग्लव्स फिर से लेना पड़ा है। ये देखिए, ये पूरा मार्केट एरिया है पूरा, जब आप समर में आएंगे तो ये पूरा खुला होता है, लेकिन विंटर में यहाँ के हालात ही बिल्कुल अलग हैं। ये देखिए, ऊपर में लोग अभी तक जो छत पे स्नो जमी उसे हराने का काम कर रहे हैं। ये भैया आइस स्केटिंग ग्राउंड किधर है? यहीं से भैया ना, यहाँ से सीधा नीचे को टनल लेना, ग्राउंड आ जाएगा। ओके, वहाँ पे अभी एक्टिविटीज हो रही होंगी? अभी यहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कर रहे हैं? वो यहाँ से सीधा चल रहा है। ये जो घर दिखा ना अभी बन रहा है, जो ऊपर सबसे ऊपर एंट्री जैसे पिलर खड़े हुए हैं, कौन सा? ये सामने पिलर है, ये जो नया घर है। पहाड़ी लोग जो होते हैं बड़े हेल्पफुल लोग होते हैं, मतलब उनका जो बिहेवियर होता है मतलब नेक्स्ट लेवल। ये एक छोटा सा ब्रिज है, ये हमें क्रॉस करना होगा। वहाँ ये अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। नीचे बड़ा ग्राउंड है, ऊपर छोटा ग्राउंड है ना? तो नेशनल होगा नेश। अच्छा, वहाँ पे छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे नेशनल गेम होता है वहाँ पे, तो दोनों देख लेते हैं।
है ना, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं फिर देख लेते हैं। चलिए थैंक यू। तो यहाँ पे दो ग्राउंड है, जिसमें ये जो इधर ग्राउंड है एक बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे नेशनल गेम वगैरह होता है, और इस तरफ जो एक ग्राउंड है इधर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, क्या हाल चाल है? स्केटिंग इधर हो रहा है? हाँ, इधर स्केटिंग यहाँ से ऊपर। ओके, तो देख लेते हैं पहले बच्चे कैसे वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और पहली बार मतलब हम देखेंगे लाइव, हमने वीडियो में तो काफ़ी देखा है आइस स्केटिंग करते हुए, लेकिन आज हमें लाइव देखने का मौका मिलेगा। मुझे अपने रूम से निकले हुए मुश्किल से 20 मिनट हुआ होगा, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं आइस स्केटिंग ग्राउंड, जहां पे बहुत सारे बच्चे आइस स्केटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये है यहाँ का आइस स्केटिंग ग्राउंड, यहाँ पे बहुत सारे लड़के, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ सारे हैं। अरे छोटा सा वो लड़का कितना बढ़िया वो कर रहा है, अरे वाह जबरदस्त। इस ग्राउंड के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है, बाहर से तो बहुत सही है। हाय, क्या ले भैया? ठीक है जी, आइए बनाइए। बस मैं मतलब देखने आ गया, मेरे को मालूम था कि यहाँ पे आइस स्केटिंग ग्राउंड है, तो बस नहीं कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ से देख सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये बच्चे प्रैक्टिस करके फिर रहे किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्पीति कप होने वाले ना आगे? स्पीति कप होने वाले हैं, ये मार्च के 20 तक में हो जाएगा। अच्छा अच्छा, उसके लिए सिलेक्शन चल रहा है अभी। अच्छा, उसका सिलेक्शन चल रहा है यहाँ पे? हर जोन से अभी अपना अपना सिलेक्शन ट्रायल लेंगे ना। अच्छा अच्छा, अभी फिर इधर नीचे जो ग्राउंड देखा आपने नेशनल हुआ था, अभी मैं नहीं गया हूँ लेकिन अभी जाऊँगा देखने। नीचे है जहाँ नेशनल होता है ना गेम। अच्छा अच्छा, वो बड़ा ग्राउंड है ना, ये प्रैक्टिस ग्राउंड है। अच्छा, ये देखिए, ये इतना छोटा सा लड़का, ये क्यूट सा, ये देखो कितना क्यूट बच्चा है। जी हाँ, चैनल है यूट्यूब पे द ट्रैवलर सैफ। हाँ जी हाँ, देखिए ये लगभग मेरे ख्याल से 3 या 4 साल का बच्चा होगा, इसे ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या बात है। इस तरफ बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रायल चल रहा है बच्चों का, जैसे कि भैया ने बताया। और ये देखिए, यहाँ से लगता है ये जैसे रेडी स्टडी गो बोलेंगे ये लोग, यहाँ से ये फंसा है ये लड़के, ये सेकेंड, ये थर्ड, बाकी सारे ये लड़के। गुड, वेल डन। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, ये मैं इसको कैमरा दे रहा हूँ, ये एक बार ऐसे यूं राउंड लगा के आएगा। ये लो ये कैमरा तुम्हारा, नीचे से लेना। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ठीक है। यहाँ पे ये जो आइस स्केटिंग होता है और ये हॉकी भी होता है, दोनों की प्रैक्टिस होती है। किस के लिए हॉकी नीचे किस करते हैं? अच्छा, नीचे जो बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे, वहाँ पे कोई नहीं है अभी? कोई नहीं है,
वहाँ पे सिर्फ चैंपियनशिप होता है, वहाँ पे नेशनल नेशनल गेम है ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या एकेडमी है क्या, ये एसोसिएशन है क्या? एसोसिएशन है, लाहौर सिटी एसोसिएशन। अच्छा अच्छा, तो क्या यहाँ पे ये एज वाइज ट्रायल होता है, अंडर 16 अंडर 19 ऐसे होता है ना? अंडर 18। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर मान लो कि फिर क्या तुम स्टेट रिप्रेजेंट करते हो, स्टेट के बाद फिर स्टेट के बाद आगे सेलेक्ट हो गए इंटरनेशनल नेशनल, यहाँ से हम लोग नेशनल गए थे बस। अच्छा, यहाँ से नेशनल टीम गई थी यहाँ से? अच्छा अच्छा, हम लोग गए थे लद्दाख गए थे। लद्दाख गए थे, वेरी नाइस। इस ग्राउंड का क्या नाम है? नाम नहीं मालूम। चलो बेस्ट ऑफ लक है ना, नेशनल टीम में तुम्हें देखना चाहेंगे हम। क्या नाम है? ओके चलो। तो ये था इस काजा का आइस स्केटिंग ग्राउंड। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, जो बड़ा वाला ग्राउंड है वो देख रहे हैं, वो देखते हैं वो कैसा ग्राउंड है। हालांकि वहाँ पे अभी प्रैक्टिस नहीं चल रही होगी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चैम्पियनशिप या फिर नेशनल गेम होता है वहाँ पे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गाजा के नेशनल ग्राउंड में, जहां पे नेशनल गेम भी होता है आइस स्केटिंग और आइस हॉकी। ये देखिए यहां पे भी कुछ बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा मेंटेन ग्राउंड है और काफ़ी बड़ा है। आपको बता दें कि ये यहाँ पे ऐसा कुछ लेक नहीं है, यहाँ पे इस जो स्नो पड़ती है उसी से पता नहीं क्या कुछ प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से इसे बिल्कुल प्लेन करते हैं और इस टाइप का आपको यहाँ पे नज़ारा दिखता है। हालांकि ऐसा आपको नाको में, एक नाको जो लेक है वहाँ पे आपको ऐसा यूँ नज़ारा ऐसे देखने को मिलेगा, जहाँ पे एक लेक है नाको, लेक बिल्कुल जम जाता है नवंबर के महीने में। लेकिन ये जो है ये बनाया हुआ ग्राउंड है, नाको जो है नाको लेक वो नेचुरल है, वहाँ पे भी आइस स्केटिंग होती है लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल ग्राउंड है, ये बनाया गया है और ये बहुत ही शानदार। ये देखिए छोटा सा लड़का, गुड। असल में यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि यहाँ पे लोग ठंड के टाइम में ना फुटबॉल खेल पाते होंगे ना क्रिकेट, तो ये सबसे बेहतरीन गेम है ठंड के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए स्पेशली। भैया इस ग्राउंड का नाम क्या है? आइस, अच्छा अच्छा, नेशनल आइस रिंक है ना। यहाँ पे नेशनल गेम हुआ था ना कितने महीने पहले? जनवरी में हुआ था। अच्छा 24 में है ना, इसी साल 19 जनवरी से 24 तक। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। क्या आप यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं? आप प्रैक्टिस कराते क्या यहाँ पे? अच्छा पेरेंट्स हैं आप। अभी स्पीति कब कब होगा यहाँ पे? 12 फरवरी से 15 फरवरी तक है ना। चलिए तब तक तो मैं निकल जाऊंगा। चलिए, मैं पटना से। हाँ जी, हाँ। तो ये था काजा का आइस नेशनल ग्राउंड, और जो कि हमने देख लिया, मतलब सामने से देखना था, आप लोगों को भी दिखाना था कि ये थोड़ा डिफरेंट स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे आए हैं कि ये सब दिखाना आपको बनता है कि ऐसे कंडीशन में यहाँ के लोग क्या क्या चीज़ करते हैं। अब एक काम और रह गया है कि एक विलेज लाइफ हमें एक्सप्लोर करना है कि यहाँ पे जो इतने ठंड में जो लोग रहते हैं वो कैसे यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं कि अब यहाँ से निकलते हैं अपने रूम पे, जो चीज़ हम देखने आए थे माशाल्लाह हमने देख लिया और आप लोगों को भी दिखा दिया। वीडियो अपलोड करनी है, एडिट करनी है, बहुत सारा काम है वो कर लेते हैं रूम पर जाके, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए क्या करते हैं कि इस व्लॉग को यहीं इस ग्राउंड के आसपास से ख़त्म कर देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सांस फूल रहे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्या नाम है तुम्हारा? हैं, आइस स्केटिंग आती है अच्छे से? अच्छा, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? 2 या 3 साल से। वेरी गुड यार, बेस्ट ऑफ लक। ये सारे बच्चे भी जा रहे हैं प्रैक्टिस करने, है ना? चलो गुड।